रखेंगे उसको। अनचाहे गर्भ ठहर जाए तो हमें जल्द अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। हेल्थ के हिसाब से हम अपना बच्चा को मतलब रख सकते हैं। अगर हेल्थ खराब है तो नहीं रखेंगे, अगर हेल्थ अच्छा है तो हम रख सकते हैं। ठहर जाए तो अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हमारे साथ अनचाह गर्भ हो गया। डॉक्टर से मिलकर के मतलब डॉक्टर जैसा सलाह दें वैसा करना चाहिए, और गर्भ खराब करवा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। तो ये तो भगवान का देन है। अगर नहीं चाह रही हैं कि हमें बच्चा ना रहे तो सुरक्षित गर्भपात करवा सकती हैं। हो सकता है उसे एबॉर्शन करवा लेना चाहिए, और दवा भी उसे मतलब लेने के बाद वो हो जाता है। एक अनचाहा गर्भ जब ठहर जाए तो हमें उसे फौरन अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। बच्चा को गिरा दें, उसको रखना चाहिए। एक डेढ़ महीना अगर हो जाता है तो क्या करेंगे, दवाई के द्वारा ही खराब करवा लेंगे, अबॉर्शन करा लेंगे। क्योंकि हमको बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि कम उम्र में होना है, मतलब सही नहीं होता, शरीर पे प्रभाव पड़ता है महिलाओं के लिए। हमारे पास दो बच्चा हो गए चाहे तीन बच्चा हो गए तो हमें आगे बच्चा नहीं चाहिए, और फिर भी हमको अनचाहा गर्भ मतलब कि रह गया तो हम अगर नहीं चाह रहे रखने के लिए तो हम नहीं रख सकते। क्योंकि आर्थिक रूप की तंगी के कारण, आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसके कारण, और शारीरिक भी अभी वैसा स्थिति नहीं है कि खराब करवा सकते हैं। इसलिए सोचते हैं कि पैसे की कमी की वजह से नहीं रखता है, पोषण पालन उसका कमी की वजह से आदमी बच्चा पैसा रखता है, पैसा नहीं रहने पर बच्चा को नहीं रखता है आदमी। सेहत ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम बच्चा को क्या मतलब अच्छा से रख पाएंगे। आमदनी की कमी हो जाने से बच्चे का परवरिश अच्छे से नहीं होगा, उसका देख रेख नहीं हो सकता है। भारत सरकार का ही कहना है हम दो हमारे दो, एक बच्चा है, एक बच्चा अनचाहे हम रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम रख सकते हैं इस बच्चे को। ऐसे बच्चे को लाने से क्या फायदा जब हम उसे चाहते ही नहीं हो। मान लीजिए आने वाला है, वो आ गया है तो उसको रख लेंगे। अब जो आ गया तो उसको खराब तो नहीं करना चाहिए। हमको पैसा का कमी भी है और थोड़ा मजबूरी है, हम नहीं उतना बच्चा लेना चाहते हैं तो हमको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। तो हम उस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते हैं। जब गर्भधारण होता है तो उसे अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो कि संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा परिवार पूरा हो चुका है। हम पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम भी करते हैं, और हमें वहाँ से जानकारियाँ भी प्राप्त होती है स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में। जानकारी समाज में मिली है, मोबाइल से भी मिली है, आजकल नेटवर्क का ज़माना है तो वहाँ से भी जानकारी मिली है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दो तीन बच्चियाँ हैं और लड़कों की चाह में गर्भ खराब करवाते हैं। हमको मिली है सहायता दी से और निशा दी और आंगनबाड़ी से, मोबाइल के जरिए आंगनबाड़ी केंद्र। हाँ दीदी, जानकारी मिली है आशा दीदी, सेविका दीदी और जीविका को जो सीएम दीदी आती है वो दीदी भी समूह में ये एजेंडा बताती है, जीविका से, आंगनबाड़ी से, आशा से। यह जानकारी हमें कहीं से नहीं मिला है, और हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक जानकारी हमें ग्रहण करना चाहिए।